बोलिए सतगुरु नाथ महाराज की। तो लीजिएगा, समिति के निर्देशक अनुसार आगे बढ़ते हैं क्योंकि पहला राउंड हमारा है। पर इसके पहले मैं भाई से कुछ कहना चाहूंगी, दो शब्द। मुझे समझ नहीं आता भाई, ये चिखले भाई से कहना है मेरा, डीजे सुमित, डीजे निकेश, बगड़मारा की कमेटी से कहना है मेरा कि आपने पदमपुर से गाने वाली को लाए हो क्या नाचने वाली को लाए हो भैया, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि भाई गाने से ज्यादा नाचने का काम कर रही है, दोनों काम आता है भाई को, गाना और नाचना। और जनता बार बार भाई के नाच को देख के माहौल बनाती हुई जा रही है, तो भाई नाचने का काम आपको ही करना था, नाचने वाली नहीं लाना था। क्योंकि भाई हम गाने आए हैं और यहाँ माताएं बहने बैठी हुई है, और लेडीजों का नाचना शोभा नहीं देता। माहौल को देखते हुए चल, अपनी डींग मत लगाए भाई, नाचने का काम करती है भाई, नाचने वाली तो लेके आई है ना तू यहाँ पर। तो ये भाई गाती कम और नाचती ज्यादा है, अगर मेरे साथ में मुकाबला कर रही है तो मेरे बराबर गाने का काम कर, नाचना बंद कर अपना। और सच में ये लेडीजों को शोभा नहीं देता, वह इसके समझ के बाहर है। अगर हम नाचने का काम करते भाई तो हमें लोग नाचने को ही बुलाते, यहाँ गाने क्यों बुलाते? गाने की प्रस्तुति गीत गजल नकल शायरी लाउने के माध्यम से कर भाई, पूरी रात पड़ी हुई है, नाचना जरूरी नहीं है। आप सभी के सामने षष्ठी की रचना का सार समिति के निर्देशक अनुसार, उसके पहले माता रानी का बखान लावणी के माध्यम से कहना चाहूंगी, सुनेगा? हाँ भैया, थोड़ा बेंजो और ढोल की आवाज बराबर बना दो जी, साउंड तो बहुत अच्छा है आपका, बेंजो की आवाज बढ़ा दो। डीजे सुमित, मॉनिटर में बढ़ा दो, भले ही आगे मत बढ़ाओ पर हमको समझ में आना चाहिए। आ
आहा।